गुवाहाटी के हार्जोगबाड़ी में स्थित विद्या भारती बहुउद्देश्य प्रकल्प चंद्रपुर में विद्या भारती व राइस्ट के माध्यम से आनंद निकेतन ट्रस्ट गुवाहाटी द्वारा निःशुल्क वैक्सीनेशन केंद्र का शुभारंभ किया गया। आनंद निकेतन ट्रस्ट के अध्यक्ष सदादत्त मनोज कलिता, डॉक्टर पवन तिवारी, पूर्वोत्तर जनजाति शिक्षा समिति के मंत्री संचीराम पायेंग, विद्या भारती बहुउद्देश्य प्रकल्प चंद्रपुर के प्रमुख भूषण गोस्वामी मनोज शर्मा ने केंद्र का शुभारंभ किया। मनोज कलिता ने जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व में आनंद निकेतन ट्रस्ट द्वारा सहायता सामग्री, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण करने के साथ ही लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने हेतु अभियान चलाया गया था। डॉक्टर पवन तिवारी ने कहा कि अधिक से अधिक मात्रा में लोगों को वैक्सीनेशन होना चाहिए। भूषण गोस्वामी ने जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि 18 से 45 वर्ष तक के युवा ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से रजिस्ट्रेशन करवाकर टीका लगवा सकते हैं। प्रथम दिन केंद्र में 190 लोगों को टीकाकरण किया गया। आनंद निकेतन ट्रस्ट, विद्या भारती व राइस्ट के कार्यकर्ताओं के सहयोग से विद्या भारती बहुउद्देश्य प्रकल्प चंद्रपुर के प्रांगण में स्थित शंकरदेव शिशु निकेतन में टीकाकरण केंद्र की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। न्यूज़ एक्स रिपोर्ट, सम हेडलाइंस न्यूज।